भागलपुर के तिलकामांझी थाना क्षेत्र के अशोका ग्रैंड वाली गली में मंगलवार की शाम हथियारबंद पांच अपराधियों ने कपड़ा व्यवसायी के घर घुसकर लाखों की संपत्ति लूट ली। इस दौरान कपड़ा व्यवसायी की पत्नी रेनु को बंधक बनाए रखा। घटना के बाद मौके पर पहुंचे सिटी एसपी सहित कई थानों की पुलिस जांच में जुट गई है। इनके स्टेटमेंट के हिसाब से ये ऊपर हमेशा जाने से पहले कपड़ा लाती है नीचे, कपड़ा लाई नीचे और जाके गेट खोली जाने के लिए। इनका गेट नॉक किया कैसे खोल दिए? ये जाने के लिए खोली गई। हम दिल्ली जाते हैं घर उस टाइम वही जाने 5:30 बजे वही चीज नहीं समझ आ रही है। जैसे बिना नॉक खोले ना वो लोग अंदर आ गए। नहीं पता लक्ष्मी बोलते हैं। मेरा नाम अर्चना देवी। पिस्तौल से जाके आपको अंदर ले आया? गेट खोली और गेट पे से घुस गया। पांचों जन हम उस टाइम में डेली घर जाते हैं मम्मी को कि क्या मेरा सब सामान सीढ़ी पर रखा हुआ है। हम बोले बिहार में मंगलवार को पंचायत चुनाव की अधिसूचना जारी कर दी गई और राज्य में आचार संहिता भी लागू हो गई। अधिसूचना के तहत 24 सितंबर को पहले चरण का चुनाव होगा, वहीं दूसरे चरण का चुनाव 8 अक्टूबर को जबकि तीसरे चरण का चुनाव 10 अक्टूबर को होगा। राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा अधिसूचना जारी होने के साथ ही बिहार में पंचायतों में चल रहे सभी विकास कार्यों पर रोक लग गई है। चुनाव आयोग ने बताया कि मानसून समाप्त होने के साथ ही चुनाव शुरू होगा। राज्य निर्वाचन आयोग के अध्यक्ष दीपक प्रसाद ने प्रेस वार्ता कर बताया कि राज्य के हर जिले में 10 चरण में मतदान होंगे। पंचायत चुनाव को लेकर 1,13,000 से अधिक मतदान केंद्र बनाए गए हैं। प्रथम चरण में 24 सितंबर को, द्वितीय चरण में 29 सितंबर को, तृतीय चरण में 8 अक्टूबर को, वहीं पांचवें चरण में 24 अक्टूबर को, छठे चरण में 3 नवंबर को, सातवें चरण में 15 नवंबर को और आठवें चरण में 24 नवंबर को तथा 29 नवंबर को, नौवें चरण में, दसवें चरण में 8 दिसंबर को और 12 दिसंबर को 11वें चरण में मतदान के साथ चुनाव संपन्न हो जाएगा। वहीं अगर भागलपुर की बात कर लें तो भागलपुर जिले के कुल 16 प्रखंडों में दूसरे चरण में जगदीशपुर में 29 सितंबर को, तीसरे चरण में 8 अक्टूबर को सनहौला प्रखंड में, चौथे चरण में 20 अक्टूबर को सहकुंड प्रखंड में, पांचवें चरण में 24 अक्टूबर को बिहपुर और नारायणपुर प्रखंड में, छठे चरण में 3 नवंबर को खरीक और नौगछिया प्रखंड में, सातवें चरण में 15 नवंबर को गोराडी और रंगरा चौक प्रखंड में, आठवें चरण में 24 नवंबर को नाथनगर और सबौर प्रखंड में, नौवें चरण में 29 नवंबर को पीरपैंती प्रखंड में, दसवें चरण में 8 दिसंबर को कहलगांव प्रखंड में और 11वें चरण में 12 दिसंबर को सुल्तानगंज गोपालपुर और इस्माइलपुर प्रखंड में मतदान होंगे। राज्य में पहली बार 11 चरणों में पंचायत चुनाव करवाया जा रहा है। पहली बार चुनाव में ईवीएम और बैलेट पेपर दोनों से मतदान कराए जाएंगे। हर बूथ पर करीब 6 मतदान कर्मी की तैनाती की जाएगी। करीब 2.5 लाख पदों के लिए चुनाव होने हैं। पंचायत चुनाव के तहत मुखिया, वार्ड सदस्य, पंचायत समिति सदस्य, जिला परिषद सदस्य, पंच व सरपंच चुने जाने हैं। इनमें मुखिया, वार्ड सदस्य, पंचायत समिति सदस्य और जिला परिषद सदस्य का चुनाव पहली बार ईवीएम के माध्यम से होगा। बिहार में 11 चरणों में पंचायत चुनाव कराए जाएंगे और इस बार मतदान समाप्ति के 48 घंटे के अंदर ही मतगणना का काम पूरा हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि सभी चरण की वोटिंग समाप्ति के बाद काउंटिंग होगी, बल्कि वोटिंग के अगले 2 दिन के भीतर परिणाम जारी कर दिए जाएंगे। जदयू के गोपालपुर से विधायक गोपाल मंडल ने एक बार फिर से बिहार के उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद और मंत्री सम्राट चौधरी सहित भाजपा प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल पर निशाना साधा है। विधायक ने कहा कि उनके पास पुख्ता प्रमाण है कि उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद भागलपुर पैसे उगाही करने के लिए आते हैं। गोपाल मंडल ने ये बातें भागलपुर स्थित अपने आवास पर प्रेस वार्ता कर कही। और क्या कुछ कहा गोपाल मंडल ने, आइए सुनते हैं। इसलिए सम्राट चौधरी अपने औकात में रहे। सम्राट चौधरी क्या बोलेगा एमएलसी बनने, एमएलसी पर मंत्री बनने वाला, वो क्या बोलेगा? कभी चुनाव लड़के देखा है चुनाव कैसा होता है? नहीं देखा है। दोबारा जो गए ना वहाँ बैठ के प्रवीण भगत के घर में, वो कम से कम नहीं कुछ 25-30 लाख लेके आया वहाँ से, मैं दावे के साथ कहता हूँ।
वो कुकर्म करने के लिए, कुकर्म का खोज करो ना भाई। पंचम श्रीवास्तव रोहित पांडे तुम्हारे हराने वाले व्यक्ति के आगे भोजन किया, एक आध किलो सोना लेके निकला। सम्राट चौधरी दलबदलू है। सम्राट चौधरी ने ये बयान दिया, ये थी मुख्यमंत्री जी, ये विकल्प के मुख्यमंत्री हैं, मतलब कोई नई विकल्प था, इसलिए एक दल में थोड़ो रहा है। वो RJD में पैदा लिया, वहीं से उत्पत्ति उनकी हुई, उसके बाद अभी MLC बन के JDU में आए हैं। वो चुनाव लड़के देखेगा मैदान में तब ना, दम नहीं है चुनाव लड़ने का। हम सिर्फ MLA नहीं है, विधायक नहीं है, हम नेता है, नेता। वो बयान दिया चूंकि जिला अध्यक्ष से हटा देगा, टिकट नहीं मिलेगा, इसलिए मेरे विरुद्ध बयान दिया। वो खुद दुखित है। अब की ब्याह क्या सोच के गए भोजन करने के लिए, जो रोहित पांडे को हराने का काम किया, 23,000 वोट लाया। आप क्यों ने अंकुश लगाते हैं अपने आदमी पर जो पैसा कलेक्शन करता है। वो गई राजेश वर्मा को, इतना दुकान है, इतना दुकान है कि मत पूछिए, कमी नहीं, 1 किलो दे ही दिया गया, क्या इसलिए जानते नहीं। लेकिन वहाँ कलेक्शन 2 पेटी वो लोड लोड करके गए ट्रेन में। गुस्सा है तो मैंने बयान दिया, कोई गलत बयान नहीं दिया। मेरे दुश्मन के साथ दोस्ती करना, यहाँ रोहित पांडे के दुश्मन के साथ, हराने वाले के साथ दोस्ती करना, ये क्या DPCM अच्छा काम कर रहे हैं। मैं प्रदेश अध्यक्ष और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष को, भाई इनको ये DPCM पोस्ट से हटाया जाए, हमको क्या निकालेगा, हम तो छोटा कर्मचारी है, सच्चा सिपाही। जब से समता पार्टी का गठन हुआ तब से उनके साथ हैं। सिर्फ ढूंढ मिल रहा अपनी कुर्सी बचाने के लिए मैं राजनीति नहीं करता हूँ, मैं जनता के पक्ष में बोलने का काम करता हूँ। इसलिए सम्राट चौधरी अपने औकात में रहे, हमको हटाने का क्या बात है। हमको हटाएंगे नीतीश कुमार, हमको हटाएंगे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह, वो कौन हटाने वाला है, उसके कहने से हट जाएंगे, हटा देगा तो हटा देगा, घर में बैठ जाएंगे। लेकिन बोलने के लिए चुके, अन्ना हजारी वाला काम कर देंगे हम, हमको हटा देगा ना, सीधे अन्ना हजारी बन जाएंगे। DPCM उन लोगों के साथ भोजन किया, हम लोग 10,000 रात तक बैठे रह गए, वो कार्यकर्ता समीक्षा बैठक में नहीं गई, तो गुस्सा यहीं से पैदा। और क्या किया उस टाइम में जानते हैं, एक बार पहले जो गए थे वो लोगों को, अब करीब 52 घर फंसा हुआ है, जो खरने धार बोलता है नवगछा के बगल में, जल जल उसी में गिरता है नवगछा का, वो 52 घर टूटने वाला, आज से नहीं 10 साल से प्रक्रिया चल रही है, टूटने वाला है, इसका पैरवी करने के, नहीं टूटने देंगे, इस SDO को भगा देंगे, उन्होंने पैसा इकट्ठा करने के लिए बोला था। दोबारा जो गए ना वहाँ बैठ के प्रवीण भगत के घर में, वो कम से कम नहीं कुछ 25-30 लाख लेके आया वहाँ से, मैं दावे के साथ कहता हूँ। पंचम श्रीवास्तव कई घर है, पंचम श्रीवास्तव कई घर है बताइए ना। उनकी मम्मी दीदी क्या बोलती है, सुधा श्रीवास्तव बनती रही गंगता ने वोट देते रहा। इनका क्या औकात है, क्या हस्ती, क्या बयान देगा मेरे बारे में भाई, क्या दे सकता है, गलत बात। अब ज़्यादा मत बोलवाइए, बहुत बात हम बोल देंगे। भागलपुर जिला के हबीबपुर थाना क्षेत्र के सहजंगी मंसूरी टोला में मोहम्मद सलीम के 20 वर्षीय पुत्र अब्दुल वक्कार को अपराधियों ने अपना वर्चस्व जमाने के लिए चाकू मार कर घायल कर दिया। आपको बताते चले, सहजंगी निवासी तेतर के पुत्र मोहम्मद नदीम कुछ दिन पूर्व सहजंगी पंचायत के मुखिया पुत्र तौसीफ के साथ गाड़ी चेकिंग अभियान के दौरान अपने आप को DM का चालक बताते हुए पुलिस जवान को थप्पड़ मार दिया था। उसी दौरान पुलिस को चकमा देकर मनचले अपराधी मोहम्मद नदीम फरार हो गया था। वहीं आज क्षेत्र में वर्चस्व जमाने के लिए युवक अब्दुल बक्कार को उसने छुरी मारकर घायल कर दिया। घटना की सूचना परिजनों को मिलते ही हबीबपुर थाना पहुंचे। हबीबपुर थाना की पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए इलाज के लिए घायल को अस्पताल भेज दिया। वहीं घायल युवक के पिता ने कई अहम जानकारी दी है। अब देखना यह है कि मंचले अपराधी के साथ पुलिस क्या कार्रवाई करती है। वो भी गवाही है, दुकानदार भी है, गया बैठा हुआ तो दौड़ कर गया, उसी का एक चचेरा भाई एक था, दोनों मिलकर गया, इसको पकड़ी तो मार दिया, हालांकि दुख चाक मारा रही, ऐसे पकड़ी थी दोनों भाग गए। अभी कहाँ लड़का आपका? उसके बाद सर हम तो नहीं देखे। अभी लड़का कहाँ गया है इलाज के लिए? अभी थाने से भेजे वहाँ घंटा गया। पीरपैंती प्रखंड के बड़ी मोहनपुर पंचायत के अंतर्गत बड़ी मोहनपुर छोटी टोला और दखली में अभी भी बाढ़ का पानी भरा हुआ है। ग्रामीणों के समक्ष राशन पानी की समस्या बनी हुई है। बड़े लोग तो किसी तरह रह रहे हैं, पर छोटे लोग और पशु के लिए विकट स्थिति बनी हुई है। वहीं ग्रामीणों का कहना है कि उन्हें अब तक कोई सरकारी सहायता नहीं मिली है। मुखिया जी से भी हम लोगों ने गुहार लगाई, पर उन्होंने असमर्थता जाहिर की है। वहीं स्थानीय ग्रामीणों और समाजसेवी चंदन जायसवाल ने बताया कि ऐसी बाढ़ के
भीषिका हमने अपनी जिंदगी में पहली बार देखी है। गरीब लोगों की स्थिति काफी दयनीय हो गई है। चूल्हा भी बंद है, खाना बंद है, बच्चा सब खोले छे। कहीं मदद ना मिले सो? सरकार मदद ना देखो विधायक नहीं रहे सुनिया ब्रो। है चूल्हा में पानी है, राशन नहीं है, क्या खिलाएंगे बच्चा लोग को? सब बच्चा भूखे प्यासे बैठे है पोल पे, बिस्तर नहीं है सोने का बच्चा को। कहीं को मदद नहीं मिलो छो? कोई मदद नहीं। बार दस दिन से। दस दिन विधायक जी अलग हाँ? विधायक जी ना, कोई नहीं ले। प्रशासन की तरफ से कोई नहीं। गोपालपुर के विधायक गोपाल मंडल के चचेरे भाई के ऊपर इस्माइलपुर के मुखिया महेश मंडल उर्फ फौजी मुखिया के द्वारा गाली गलौज और दौड़ा दौड़ा कर लाठी डंडे से पिटाई करने का मामला सामने आया है। घटना के बारे में बताया जा रहा है कि इस्माइलपुर के मुखिया महेश मंडल उर्फ फौजी मुखिया जो छोटी परबत्ता के रहने वाले हैं राहत सामग्री वितरण करने गए थे, तभी गोपाल मंडल का चचेरा भाई उनसे प्लास्टिक की मांग किया। इसी बीच मुखिया महेश फौजी ने विधायक गोपाल मंडल के चचेरा भाई को गाली गलौज करते हुए दौड़ा दौड़ा कर लाठी डंडे से पिटाई कर दी। जब पत्नी बचाने की कोशिश करने लगी तो उसकी पत्नी को भी पीटा गया। साथ ही विधायक के चचेरे भाई को घर में बंद कर मुंह में राइफल घुसाकर मारने की भी कोशिश की गई। इस घटना के पीछे आखिर क्या वजह हो सकती है, क्या आपसी मतभेद हो सकता है, यह तो जांच का विषय है। फिलहाल गोपाल मंडल का चचेरा भाई किसी तरह आनन फानन में अपनी जान को बचाते हुए बाहर निकला और उसने मीडिया से बात करते हुए कहा कि मुझे रूम में बंद कर कई लोगों ने मारा है। साथ ही उसने बताया कि मुखिया बार बार कह रहा था कि गोपाल मंडल कौन है तुम्हारा, वह बचाने नहीं आएगा। वहीं महेश मंडल उर्फ नागे मंडल ने यह बताया कि मैं नहीं जानता है मुझे इस कदर से क्यों पीटा गया है, मेरी उससे आपसी कोई रंजिश नहीं है। वहीं इस बाबत गोपाल मंडल भी अपने चचेरे भाई से मिलने पहुंचे और सारी घटनाओं की जानकारी ली। वो लड़का जो है वो बोला कि हमरा से खोले तीन दिन थे नहीं, तो कच्चा सो खाना संग थे नहीं, तो और उसको खाली पिछला वाला के जीरो नहीं डूबता है, यही बोल रहे। अच्छा आप की मारो धोती ना तब तरह हरा रहे। उसके बेटवा को बोला तू उसके बाप को फोन किया, इससे मारपीट कर दिया, ये भी लपड़ सपड़ दिया, बाप को फोन किया आ गया यहाँ पर, सब बाप से झुका के उसको उंडी लगा के रपेट रपेट के मेरे दरवाजे पर मारा। कौन मारा? ये मारा फौजी मुखिया, उनका परिवार नहीं बोला कौन मारा, हमसे क्या पूछते। वही फौजिया महेश मंडल के भाई बेटा, सब भाई सबका बेटा। इसे वो कैसा आदमी, मनमरू है क्या है? मनमरू है, फौजी है, बंदूक दोनाली लाइसेंस के मुंह में कोच दिया, मार दी। बोला गोपला मंडल कहा? सुल्तानगंज प्रखंड के तिलकपुर पंचायत के वार्ड संख्या 1 के ग्रामीणों ने राहत सामग्री की मांग को लेकर प्रखंड कार्यालय के मुख्य गेट पर घंटों हंगामा किया। इस दौरान बाढ़ पीड़ितों ने आरोप लगाया कि अधिकारी और जनप्रतिनिधि के मनमाने रवैये के खिलाफ जमकर नारेबाजी कर आक्रोश व्यक्त किया गया। इस दौरान प्रखंड प्रमुख प्रतिनिधि नटबिहारी मंडल को बाढ़ पीड़ितों ने घेराव करते हुए जल्द राहत सामग्री दिलाने की मांग की। सुलोचना देवी, देवकी देवी, सुष्मिता देवी ने बताया कि 11 दिनों से हम लोग बाढ़ की चपेट में हैं, अभी तक कोई भी अधिकारी या जनप्रतिनिधि हम लोगों को देखने तक नहीं आया है, न ही किसी भी प्रकार की मदद मिली है। ऐसे में हम लोग खाने पीने के साथ साथ खुले आसमान के नीचे रहने को मजबूर हैं।